बच्चे को नॉलेज होते हुए भी कम मार्क उठता है, जिसके चलते हमारे बच्चे उस मार्क बेसिस में पिछड़ जाते हैं। और आप फिजिक्स में ले लीजिए, फिजिक्स में 78% बंगाल के बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं, बंगाल के बच्चे ले गए। तो अन्य राज्यों की तरह हमारे यहाँ भी यदि लोकल रिजर्वेशन लागू रहता है तो हमारे जनरल कैटेगरी का जो पद है वो निश्चित रूप से बचता और हमारे बच्चे लेते, हमारे बच्चे का भविष्य बनता और रोजगार जो है हमारे बच्चे को मिलता। सरकार की तरफ से क्या? सरकार ने तो गोलमटोल आंसर दिया, सब में अस्वीकारात्मक है। हमको लगता है जो माननीय मंत्री जी क्वेश्चन को सही ढंग से समझ भी नहीं पाए थे, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने आश्वासन दिया है जो हम इस पर आगे कार्रवाई करेंगे, इस पर विचार करेंगे कानून लाने का। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, 2016 में उनसे मिल करके हम अपना ये चिट्ठी दिए थे सारे डाटा के साथ। उन्होंने कहा भी था जो कि हम इसको लाएंगे, लेकिन उस समय में जब गठबंधन टूटा तो मामला खटाई में चला गया। तो निश्चित तौर से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे जो हमारे बच्चे के भविष्य के लिए अन्य राज्य जैसे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आपका पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कुल मिलाकर के देखिए तो पूरे देश में अगल बगल में जितने राज्य हैं सब लोकल रिजर्वेशन ला दिया डोमिसाइल नीति, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। हम मांग करते हैं जो अविलंब डोमिसाइल नीति लाया जाए, लोकल रिजर्वेशन लाया जाए, स्थानीय आरक्षण लाया जाए, जो हमारे बच्चे को राज्य का कम से कम नौकरी का हिस्सा मिल सके।